हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आप सबों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डाइस का सेकंड पार्ट, मतलब ओपन डाइस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यदि आप लोग को यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। कॉमेंट ज़रूर लिखिए, आपके कमेंट से मेरा मनोबल बढ़ता है। थैंक यू। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लोग ओपन डाइस को देख रहे हैं। पहला फिगर है, ये हो गया। इसका हम लोग यहाँ पर देखते हैं ना कि इसका अपोजिट कौन सा होगा। इसका अपोजिट होगा ये वाला, ठीक है। मतलब कि वन के अपोजिट थ्री हो गया, टू का अपोजिट फोर होगा, मतलब कि ये वाला और ये वाला हो जाएगा, फाइव का अपोजिट सिक्स हो जाएगा, है ना। तो वन का अपोजिट थ्री, टू का अपोजिट फोर और फाइव का अपोजिट सिक्स। अब हम लोग इसका सेकंड फिगर को देखते हैं। सेकंड फिगर कहता है, यहाँ हम लोग देखेंगे टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, है ना। तो टू का अपोजिट कौन सा होगा? फोर, ठीक। थ्री का अपोजिट कौन सा होगा? फाइव। और वन का अपोजिट होगा सिक्स, ठीक है। यहाँ हम लोग फिर से एक बार देख लें, एकदम क्लियर है। टू का अपोजिट फोर, मतलब एक एक अल्टरनेट करके देख लेंगे, एक एक छोड़ देंगे हम लोग। थ्री का अपोजिट फाइव और वन का अपोजिट सिक्स, ठीक है। तीसरा वाला केस को देखते हैं। यहाँ हम लोग ये देखेंगे, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है। तो यहाँ हम लोग देख लें, वन का अपोजिट थ्री, फोर का अपोजिट सिक्स, ठीक है। वन का अपोजिट थ्री, फोर का अपोजिट सिक्स, बच गया मेरे पास टू और फाइव। तो ये वाला इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, टू का अपोजिट फाइव। अब हम लोग फोर्थ नंबर का केस देखते हैं। इसी चार पे ही आएगा क्वेश्चन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, है ना। तो जस्ट जो हम लोग पहले से प्रक्रिया अपनाते चले आ रहे हैं, वन का अपोजिट थ्री, टू का अपोजिट फोर और फाइव का अपोजिट सिक्स, ठीक है। वन का अपोजिट थ्री, देखिए यहाँ पे, टू का अपोजिट फोर एक छोड़ देंगे, फाइव का अपोजिट सिक्स, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये फिगर को देख लिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को करके देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है वन टू थ्री, ठीक है। ये फोर फाइव सिक्स, यहाँ हम लोग ये चार डाइस हम लोग रखे हैं, इसको खोलने के बाद क्या आता है सो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये फिगर दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा डाइस हम लोग का क्लियर होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वन का अपोजिट थ्री, ठीक है। यहाँ हम लोग लिखते चलते हैं, वन का अपोजिट थ्री, फिर फोर का अपोजिट सिक्स, टू किसका अपोजिट होगा? फाइव का। हम लोग ये वाले फिगर में देखते हैं, फोर थ्री वन। तो हम लोग यहाँ पर देखें, वन का अपोजिट क्या होता है? थ्री। तो यहाँ पर वन थ्री के बगल में है, तो ये वाला केस तो होगा नहीं। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये थर्ड वाला को देखते हैं, टू का अपोजिट फाइव, यहाँ टू फाइव के बगल में है, तो इसलिए ये भी नहीं हो गया। फिर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर फोर का अपोजिट सिक्स है, तो फोर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये बगल में है ना, इसलिए ये भी नहीं हो गया। तो बच गया मेरे पास ये वाला, तो वन टू फोर होना चाहिए, ये आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है। आइए अब हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं। ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, जो हम लोग पहले ऑलरेडी जो पढ़े हैं, तो वन का अपोजिट कौन सा होगा? थ्री, ठीक है। फाइव किसका अपोजिट होगा? फोर का अपोजिट होगा, ठीक है। बच गया मेरे पास टू। ये सारे को जब हम लोग फोल्ड कर देंगे तो ये सब का सब चला जाएगा पीछे में चला जाएगा हम लोग, ठीक है। ये सारा का सारा कहाँ जाएगा? ये सब पीछे चला जाएगा। इसको ध्यान देना है कि ये जब भी बनेगा तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो ये यहाँ जाएगा, इसके बाद ये वाला यहाँ आएगा, इसके बाद ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, क्लियर है। तो टू का अपोजिट ये वाला हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। आइए और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन करके।
अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है, इसको हम लोग पहले बनाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है मैट 2011 में, मैट 2011 का ये क्वेश्चन है। देखिए ये डाइस है, यहाँ पर है 5, 2, 3, एक, चार और ये पांच। हम लोग पीछे वाले वीडियो में हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, कि जब सेम फेस होगा, यहाँ पर पांच है, यहाँ भी पांच है ना, तो जब पांच और पांच है तो हम लोग क्या कर सीखे थे कि हम लोग इसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लेके चलते हैं, 5, 3, 2। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 5, 3, 2, फिर यहाँ से चलेंगे 5, 4 और 1, है ना, तो लिखेंगे 5, 4 और 1। मतलब यहां पर हम लोग देखते हैं 2 किसका अपोजिट हो गया, 1 का, 3 का अपोजिट 4, तो बचा क्या मेरे पास, 5 का अपोजिट 6 होगा ना, ये हो जाएगा 6 हम लोग का। अब हम लोग के पास ये क्वेश्चन कहता है कि ये फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, हम लोग अब पहले वो ऑप्शन भी बना लेते हैं तब हम लोग का क्लियर होगा। देखिए ये कह रहा है कि यहाँ पर है 2, 1, 4, 6 और यहाँ पर है 5 और 3। फिर अगला देखिए ये ऑप्शन है 1, 2, 3 और 1, 4, ठीक है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है इसके साथ और इसके साथ, यहाँ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, फिर है एक दो तीन चार, यहाँ है 2, 5, 1, 6, फिर है 3 और 4, यहाँ 3, यहाँ 4। इसके बाद एक और ऑप्शन है, एक दो तीन, और फिर यहाँ से चला 1, 2, 3, यहाँ पे नंबर है 2, 3, 4, 1, 5, 6, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसको ना, जो हम लोग जो निकाले हैं इसमें से कौन सा होगा, ए बी सी और ये डी ऑप्शन है। यहाँ हम लोग देखेंगे 3 का अपोजिट क्या है, 4, 2 का अपोजिट 1, तो ये वाले फिगर में देखिए तो 2 और 1 अगल बगल आ गया, है ना, इसलिए ये वाला नहीं होगा। फिर हम लोग देखेंगे ये वाले फिगर में 2, 3 का अपोजिट 4 है, तो 3 और 4 यहाँ पे फिर बगल में है, तो ये भी नहीं हो गया। फिर यहाँ हम लोग देखेंगे 2 और 1 तो अपोजिट है, 3 और 4 भी अपोजिट है, तो 5 और 6 ये भी अपोजिट हो गया ना। फिर से देखिए यहाँ हम लोग देखें निकाले हैं 3 का अपोजिट 4, तो देखिए 3 का अपोजिट 4, फिर 2 का अपोजिट 1, तो ये देखिएगा 2 का अपोजिट 1 और 5 का अपोजिट 6, है ना, इसका मतलब ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है मैट 2011 में। अगला वाला हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। देखिए सब यहाँ पे हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब ये ओपन डाइस का है। देखिए ये फिगर है, अगला क्वेश्चन है, ये ऐसे और फिर यहां से चला ये
यहाँ हम लोग देखेंगे ये गोला बना हुआ है और ये पूरा ऐसे करके रंगा हुआ है, ठीक है, ये रंगा हुआ है, अब ये कहता है कि इसमें से कौन सा आकृति इसका ऑप्शन हम पहले बना लेते हैं। देखिए तीन एक ऑप्शन और ना, चार, ये पहला डायग्राम कहा ये बना हुआ है ऐसे, ठीक है, दूसरा डायग्राम है ये यहाँ पर है गोला और ये हाफ पार्ट इसका ऐसे रंगा हुआ है, तीसरा डायग्राम हो गया हम लोग ये वाले फिगर में हमेशा ध्यान देंगे, एकदम आसान सा है। देखिए सबसे पहला चीज ये जब हम लोग फोल्ड करेंगे इसको देखेंगे ना, इसका डायग्राम बनेगा कैसे, तो ये हम लोग पहले मिला लेते हैं, देखिए ये ऐसे ऐसे, तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये खाली, ये वाला भरा हुआ, ठीक है, फिर ये खाली, फिर ये वाला भरा हुआ होगा, ठीक है, ये वाला खाली, ये भरा हुआ, फिर ये खाली, यहाँ से चल रहे हैं हम लोग ऐसे ना, ये देखिए इसको हम लोग देख लिया, तो हम लोग का यहाँ पर जो दिखता है इसमें एकदम स्पष्ट है कि ये वाला जो डायग्राम है इसमें एकदम स्पष्ट है कि जब भी होगा तो ये अपोजिट वाला तो होना चाहिए हम लोग के पास, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला डायग्राम तो होगा नहीं, इसका ये जब भी जाएगा ना तो ये अपोजिट हो जाएगा ना, ये वाला का अपोजिट क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, इसलिए कि हम लोग इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका अपोजिट होगा ये वाला पार्ट, तो ये इसके बगल में तो होगा नहीं, ठीक है, ये वाला फिगर को देखेंगे ये इसके बगल में हो गया, ये इसके बगल में हो गया, यहाँ पर ये डायग्राम ये आ रहा है लेकिन ये गोला वाला जो फिगर है ये इसके बगल में आ गया, तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर इसके अपोजिट ये इधर आना चाहिए ना, इसलिए हम लोग का आंसर ये होगा ए बी सी डी, तो डी आंसर हो जाएगा हम लोग का। हम आशा करते हैं शायद आप लोग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोग इसको ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, बेल बटन को दबाएं।